इलेक्शन धमाका की शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आज पूरे दिन सियासत गरम रही, अपने चरम पर रही, जहां पर एक तरफ आतिशी ने बीजेपी पर उन्होंने ज्वाइन करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सभी नेता और मंत्री अरविंद केजरीवाल के घर गए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात भी की। शाम होते होते सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर भी आई। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है। कहा जा सकता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी चौतरफा चुनौतियों से घिरी हुई है, चौतरफा तौर पर उसके पास वो तमाम दिक्कतें हैं जो इस वक्त लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार में सबसे बड़ी दिक्कत के तौर पर भी है, यहां पर थोड़ी सी राहत इसे जरूर कहा जा सकता है। दिल्ली शराब घोटाला केस जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। जानकारी आप तक पहुंचा दें, यह राहत इसलिए है क्योंकि शराब घोटाला मामले में उन्हें 181 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार जमानत मिल गई है। संजय सिंह दरअसल करीब 6 महीने बाद तिहाड़ जेल की सलाखों से बाहर आएंगे। जानकारी आप तक पहुंचा दें, संजय सिंह को अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था, अभी भी ILBS अस्पताल में वो भर्ती हैं। कल उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, छुट्टी मिलेगी। और संजय सिंह को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर मंत्रियों को जेल भेजने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। पलटवार में बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार है, यह भ्रष्टाचार लगातार सामने आता रहा है। अदालत ने ये दिखा दिया, हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही। आज एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का एक तर्क या कुतर्क में कहूं कि ईडी विंडिक्टिव कार्रवाई कर रही है वो खारिज हो गया। दूसरी बात, यदि इसी न्याय प्रणाली में बेल मिलना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए दोष मुक्त हो जाना, बेल मिलना मतलब जश्न मनाना, बेल मिलना मतलब सारे आरोप के खारिज हो जाना, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है कि जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है वो सब आज दोषी है ही। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी मां राधिका सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। उन्होंने दावा किया कि उनका बेटा बेकसूर है, निर्दोष है, ईमानदार है। संजय सिंह की मां से बात करेंगे, राधिका सिंह यहां पर मौजूद हैं। लगातार वो कह रही हैं कि उन्होंने उम्मीद तो लगाई थी लेकिन अब बहुत खुशी का दिन है, बेल मिल गया है मेरे बेटे को। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी एक चीज है जो 6 महीने आपने बहुत ज्यादा मिस की है, क्योंकि बच्चे की तो सारी चीजें माँ को पसंद आती हैं लेकिन अब जो जमानत मिल गई है तो कौन सी एक चीज है जो बेटे के घर आते ही सबसे पहले आप बच्चे के साथ उसको करना चाहेंगे? बच्चा तो है ही, बच्चा पहले, वो तो पहले माँ को ही पूछता था, हाँ हम बैठे रहे, माँ मम्मी खाना खाए आप, मम्मी तबीयत ठीक है आपकी। हमने देखा था कोर्ट में जाते थे तो उनके पिताजी यानी आपके पति भी आते थे संजय सिंह के लिए वहां पर और काफी भावुक होते थे, फिर उन्होंने जाना बंद कर दिया, तो आपकी कोशिश क्या रहती थी कि बेटे के पास वहां जाया जाए कि थोड़ा दूर रहा जाए, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, ऐसे में बड़ा भावुक होता था परिवार के लिए? नहीं नहीं, दूरी कोई बात ही नहीं, क्यों दूर रहेंगे बेटे से, क्यों दूर, वो भी ईमानदार बेटे से दूर क्यों रहेंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि एक हमारे बेटे के पास इतनी इतनी जो पुलिस आ रही है, लेकिन मतलब है तो उनकी सेफ्टी के लिए, लेकिन उनको दुख होता था कि हमारा ईमानदार बेटा आज कोर्ट में बैठा है, उसको इस तरह से उठा ले जाना, आसानी से उठा ले जाना,
अच्छी बात नहीं है। आंखें जो नम है मैं समझ पा रहा हूँ, खुशी के आंसू थोड़ा सा। बहुत खुश हैं, भगवान की भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, भगवान के लिए बहुत हम खुश हैं कि भगवान हमारा सुन लिए। तो थोड़ी सी तो राहत यहाँ पर मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माँ है साफ तौर पर कह रही है बेटा निर्दोष और ईमानदार है। जावेद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। जावेद, कहा जा सकता है कि मुसीबतों की बरसात में एक छाता मिल गया है, कम से कम थोड़ी सी राहत तो यहां पर मिली है संजय सिंह की जमानत की घोषणा के बाद में। देखिए, बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए और इसी राहत के मद्देनजर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटना भी शुरू हो गए हैं। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, ये वो कार्यकर्ता हैं जो अभी आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर पहुँचे हैं। कुछ कार्यकर्ता आप देखेंगे टोपी पहनकर पहुँचे और नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, संजय सिंह के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह देखिए नारे लगा रहे हैं, जेल के ताले टूट गए, संजय सिंह छूट गए। ये तस्वीर देखिए आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हैं। देखिए चुनाव की दहलीज पर आम आदमी पार्टी है, दिल्ली और पंजाब में सबसे बड़ा स्टेक है आम आदमी पार्टी का। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो सबसे बड़ा चेहरा थे, उनके जेल में होने के बाद सवाल यही था कि प्रचार की कमान कौन संभालेगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी की एक मुखर आवाज संजय सिंह है, अब वो जेल से बाहर आएंगे तो प्रचार की कमान भी संभाल सकते हैं और संगठन भी को भी संभाल सकते हैं, क्योंकि संगठन के रूप से भी वो एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। और देखिए लगातार जश्न जो है वो आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर यहाँ पर मनाया जा रहा है। संजय सिंह के परिवार की तरफ से भी रिएक्शन आया है और यहाँ कार्यकर्ता भी जुटे हैं। कई दिन से आम आदमी पार्टी के लेकर कई ऐसी खबरें थी जो उनके ये फायदे की नहीं थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, मनीष सिसोदिया पहले से गिरफ्तार है, संजय सिंह गिरफ्तार है। ऐसे में संजय सिंह की अब रिहाई होगी तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत होगी और यही वजह है कि जो कार्यकर्ता है जश्न यहाँ पर मना रहे हैं। जेल के ताले टूट गए, संजय भैया छूट गए, ये नारेबाजी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। चौतरफा चुनौतियों के बीच में संजय सिंह की जो जमानत है वो कम से कम एक धमाकेदार सियासी जश्न के तौर पर आम आदमी पार्टी के खेमे से सामने आ रही है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका जावेद। और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने संजय सिंह को जमानत मिलने को एक बड़ी जीत यहां पर करार दिया है। तो वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी को नसीहत दी है और कहा है कि जमानत मिलने से आरोप खत्म नहीं होते। आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है, क्या कोई पैसा अटैच किया गया है? जब कोई पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं हुआ, तो पीएमएलए कैसे लगा है? इसका कोई जवाब ईडी के पास नहीं था, केंद्र सरकार के पास नहीं था। किसी को बेल मिलना, ये भी याद रखिए, किसी को बेल मिलना उसकी सजा उसकी उसके गुनाह खत्म करना नहीं होता है। किन परिस्थितियों में बेल है, किन शर्तों पे बेल है। सत्येंद्र जैन जी को भी थोड़े दिन के लिए बेल मिली थी क्योंकि स्वास्थ्य खराब था, लेकिन जो आरोप है वो इतना भयानक है कि आम आदमी पार्टी का एक सबसे बड़ा नेता जो शराब घोटाले का किंग पिन है वो गिरफ्तार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आतिशी जो सौरभ भारद्वाज जैसे भी पूछताछ होनी ही चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े किंग पिन ने उनका नाम लिया।